तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्लंक्यान के बारे में। आप देखिए, स्लंक्यान एंड विष्णु कुंडीज इन आंध्र प्रदेश, ये नया टॉपिक है अभी यूजीसी नेट हिस्ट्री के यूनिट 2 में। तो फ्रेंड देखिए, ये आपको लेक्चर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, एक स्लंक्यान को इसमें देखेंगे, इस स्लंक्यान वंश को, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे विष्णु कुंडीज के बारे में, जिसके बाद हमारा यूनिट 2 यहाँ पे ओवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सलंक्यान डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया रूल्ड ए पार्ट ऑफ आंध्रा रीजन इन इंडिया फ्रॉम 300 to 400 CE। आप देखिए, जो सलंक्यान या सलंक्याना जो डायनेस्टी है, जो सलंक्यान वंश था, वो कहाँ पे था? वो था आंध्रा रीजन में, यानी कि जो आज का आंध्रा प्रदेश है वहाँ पे ये था। उसके बाद देखिए, ये कहाँ कब से कब तक था? ये देखिए, 300 ईस्वी यानी कि 300 AD से लेके 400 AD तक ये था, यानी कि 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक ये इसका राज था। कहाँ पे? आंध्रा रीजन में। दे कुवाइड द टेरिटरी बिटवीन द लोअर गोदावरी एंड कृष्णा। आप देखिए, जो गोदावरी और कृष्णा नदी का जो लोअर टेरिटरी वाला एरिया है, वो इनके कब्जे में था। यानी कि अगर हम बात करें, जो गोदावरी नदी है, जो कृष्णा नदी है, जो उसका लोअर वैली, जो लोअर वाला पार्ट है, उसका जो टेरिटरी है वो पूरा ही सलंक्यान के अंडर था। यहाँ पे उनका राज था। दे आर सेम एज टॉलमी स्लेकन कोई। अब देखिए, टॉलमी के जैसे टॉलमी का शाल कनोई था ना, तो वैसे ही ये भी सलंक्यान भी वैसे ही थे। 7 किंग ऑफ दिस लाइन आर नोन। अब देखिए, सलंक्यान जो डायनेस्टी है, इसके 7 किंग्स जो जाने जाते हैं, दे ऑल रूल्ड फ्रॉम वेंगी बेंगोरन ऑफ टॉलमी। अब देखिए, ये जो 7 राजा हैं, या ये जो देखिए ये जो 7 राजा हैं, ये सभी राज करते थे वेंगी से। ठीक है, वेंगी एक देखिए जगह है। देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट वेंगी मॉडर्न पेड़ावेगी नियर एलेरू इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखिए, जो इनकी राजधानी थी, जो इनकी कैपिटल थी, वो कौन सी थी? वेंगी। और वो कहाँ पड़ती थी? वो आंध्र प्रदेश के एलुरू में पड़ती थी। अब देखिए, एलुरू कहाँ पे है? एलुरू है वेस्ट गोदावरी में। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, सलंक्यान डायनेस्टी है ये 300 से 400 ईस्वी के बीच में आई। इनका एरिया कौन सा था? कृष्णा और गोदावरी का लोअर टेरिटरी वाला। इनकी कैपिटल कौन सी थी? इनकी कैपिटल थी वेंगी, जो कहाँ पर पड़ती थी? ये पड़ती थी एलुरू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश के एलुरू डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह है वेंगी, ये उनकी राजधानी थी, यानी कि कैपिटल थी। दे वर ब्राह्मिन एंड देयर नेम इज ड्राइव फ्रॉम देयर सिंबल एंड गोत्रा नेम विच स्टूड ऑफ नंदी द बुल ऑफ शिवा। अब देखिए, ये कौन थे? ये ब्राह्मण थे, और ये ब्राह्मण थे, और जो इनका सिंबल था, जो गोत्र था, वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया नंदी से। अब नंदी कौन है? देखिए, जो भगवान शिव है, जो उनके बुल है, ठीक है, भगवान शिव के जो लॉर्ड शिवा के जो बुल है नंदी, नंदी बैल जो है, तो उन जो इनका जो देखिए गोत्र नेम है, जो वो वहाँ से लिया गया। पहली बात तो ये ब्राह्मण थे, अब जो इनका जो नेम है एंड जो इनका जो गोत्र का जो सिंबल है, वो लिया गया था शिव के जो बुल है, यानी कि शिव के जो बैल है नंदी से। द श्लंक्यांस सक्सीड द आंध्रा इक्ष्वाकु डायनेस्टी एंड वर वेसल ऑफ द पल्लव किंग्स ऑफ द सदरन इंडिया। अब देखिए, जो सलंक्यान वंश है, ये कौन थे? अब देखिए, सलंक्यान वंश था, पहले देखिए सातवाहन वंश था आंध्र प्रदेश में, उसके बाद इक्ष्वाकु आए, उसके बाद आए सलंक्यान। ठीक है, तो ये कौन थे? ये देखिए, ये जागीरदार थे। ठीक है, ये जागीरदार थे। वसाल्स का मतलब होता है जागीरदार, जिनका काम होता है टैक्स इकट्ठा करने का। ये किन के अंडर थे? ये पल्लव किंग्स के अंडर थे। ठीक है, यानी कि देखिए, सदरन इंडिया में जब पल्लव किंग थे, जब पल्लव राजा थे, तो उनके अंडर ये जागीरदार थे, यानी कि उनके अंदर ये वसल्स थे, यानी कि उनके लिए टैक्स इकट्ठा करते थे। तो बाद में जब देखिए उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ पल्लव्स का, तो फिर ये सलंक्यान जो है वो आ गए। ड्यूरिंग देयर टाइम द स्क्रिप्ट ऑफ फॉर तेलुगु एंड कन्नड बिगेम टू क्लियरली सेपरेटिंग फ्रॉम दैट ऑफ द अदर साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस समय के दौरान, आप देखिए अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें देखिए जो तेलुगु और जो कन्नड़, ठीक है, जो तेलुगु है और जो कन्नड़ स्क्रिप्ट है, यानी कि तेलुगु और कन्नड़ की जो भाषा लिपि है वो बाकी साउथ इंडियन तथा, ठीक है, वो साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन भाषाओं से क्या था, अलग होना शुरू हो गई। यानी कि अगर हम बात करें तेलुगु लैंग्वेज की, अगर हम बात करें यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज की स्क्रिप्ट की, कन्नड़ लैंग्वेज की लिपि की, वो दक्षिण भारतीय यानि कि साउथ इंडियन और उत्तर भारतीय यानि कि नॉर्थ इंडियन जो लैंग्वेज है उससे अलग होना शुरू हो गया था। अब देखिए मेन राजाओं के बारे में बात करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि 7 जो किंग्स हैं, लेकिन अब इसमें हम बात करेंगे इसके 4 जो मेन राजा थे उसके बारे में। हस्ती वर्मा, नंदी वर्मा, विजय वर्मा और फोन नंबर पे है विजय नंदी वर्मा। अब देखिए दार्लिस वाज देवारम देवार देवर्मन हु रूल्ड एडी 300। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आते हैं, सबसे पहले देखिए इनके जो राजा थे वो थे देववर्मन, जिन्होंने 300 एडी में यानी कि 300 ईस्वी में राज किया। ही परफॉर्म एज अश्वमेध सेक्रीफाइस। अब देखिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ जो है आपको पता है कि एक जो घोड़ा है, एक हॉर्स है, वो छोड़ दिया जाता है, तो जहाँ पे घोड़ा जाके रुकता है और वो सारा एरिया वो उस राजा के अंडर आ जाता है, तो बाद में उसी घोड़े की बलि दी जाती है, तो वो होता है अश्वमेध यज्ञ। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो वो है देववर्मन। ये किससे रिलेटेड है, सलंक्यान वंश से। द नेक्स्ट नॉन किंग इज हस्तिवर्मन वन हु वाज डिफीटेड एंड री इंस्टेटेड बाय समुद्रगुप्त। अब देखिए जो अगले राजा है वो कौन थे, वो थे हस्तिवर्मन प्रथम या हस्तिवर्मन वन, जिसको हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, यानी कि समुद्रगुप्त ने सलंक्यान वंश के हस्तिवर्मन वन को हराया था। ही वाज सक्सीड बाय नंदी वर्मन हु वाज सक्सीड बाय हस्तिवर्मन टू। इनके बाद देखिए यानि कि हस्तिवर्मन वन के बाद आते हैं नंदीवर्मन, उनके बाद आते हैं हस्तिवर्मन द्वितीय। अब देखिए हस्तिवर्मन के बेटे हैं नंदीवर्मन, नंदीवर्मन के बेटे हैं हस्तिवर्मन टू। हस्तिवर्मन वन और टू, जहाँ पे आपको वन और टू का लिखा है तो वहाँ पे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा नहीं था कि उनका नाम हस्तिवर्मन वन था, उनका नाम हस्तिवर्मन टू था, ऐसा नहीं था। अब देखिए जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, उन्होंने नाम सेम होने की वजह से उसके सामने 1-2 लगाया कि ताकि आपको कहीं पे पढ़ने में दिक्कत ना आए। अब मान लीजिए हस्तिवर्मन वन है, 2 यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे 1 और 2 ना लिखाओ तो नाम तो सेम ही है दोनों के, तो यहाँ पे कैसे पता चल पाएगा कि कौन पहले आया था। तो चलिए ही सक्सेसर स्कंद वर्मन एक्सटेंडेड हिज पावर साउथ ऑफ इंडिया एंड ओवर थ्रो द अनंद किंग। अब देखिए जो इनके बाद यानि कि हस्तिवर्मन टू के बाद जब राजा आते हैं स्कंद वर्मन, तो इन्होंने क्या किया था कि जो साउथ ऑफ द कृष्णा, यानी कि जो कृष्णा नदी का जो दक्षिणी एरिया था, जो साउथ वाला एरिया था, उसके पास अपनी शक्ति जो पावर थी बहुत इंक्रीज कर ली, एक्सटेंड कर ली, और वहाँ पे जो अनंद किंग थे, अनंद राजा थे, उनको हरा दिया, तो उसकी जगह पे अपना कब्जा कर लिया। मेन देखिए हमने ऊपर राजा की बात की है ना, ये 4 जो हस्तिवर्मन, नंदीवर्मन, विजय देव और विजय नंदीवर्मन, ये 4 मेन राजा हैं, वैसे इसके टोटल 7 किंग हैं। ऑल द श्रलंक्यान किंग्स वर डिवोर्स्ड ऑफ टिल्ट गॉड चिरुथ्रा एग्जांपल शिवा दे फ्लोरिश बिटवीन एडी 300 एंड 500। अब देखिए ये जितने भी राजा हैं, यानि कि जब ये जो सारे जो श्रलंक्यान जो डायनेस्टी के किंग्स हैं, ये सभी भगवान शिव के भक्त थे। अब देखिए भगवान शिव को यहाँ पे चित्रत लिखा हुआ है, ये भगवान शिव का नाम ही है, यानी कि ये चित्रत के या भगवान शिव के भक्त थे। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि सलंक्यान राजा किनके भक्त थे, वहाँ पे भगवान शिव ना लिखाओ, चित्रत लिखाओ, तो वहाँ पे आप टिक करिए, क्योंकि ये चित्रत जो नाम है वो भगवान शिव का ही नाम थे, ये ब्राह्मण थे और भगवान शिव के भक्त थे। तो ये 300 से 500 AD के बीच में थे। Towards the close of 6th century AD, Vakatak Harisen defeated the Shlankyan ruler, deposed him and gave the kingdom to the Vishnukundi king,
महाराजा गोविंदा वर्मन। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब 6th century AD आया तो जो वकाटक के राजा है हरिसेन, उन्होंने सलंकियान के जो शासक है, जो राजा थे, उसको हरा दिया। उसे हराने के बाद उससे उसका जो शासन था, जिसका जहाँ पे उसका कब्जा था, उसे छीन लिया गया और उसकी जगह पर जो विष्णु कुंडी जो डायनेस्टी है उसके राजा गोविंद वर्मन को बना दिया। यानी कि सलंकियान वंश के ऊपर हमला होता है, वकाटक के जो हरिसेन, उन्होंने हमला किया, हरिसेन ने सलंकियान राजा से उसका शासन छीन के एक नई डायनेस्टी विष्णु कुंडी को, उसका जो साम्राज्य था, जो उसकी डायनेस्टी थी, वो दे दी। इन द लेट 5th century द सलंकियान वर कंकर्ड बाय महादेव वर्मा टू ऑफ द विष्णु कुंडी। अब देखिए जब हम फिफ्थ सेंचुरी के जो हम मिड में आते हैं, मिडल ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी, जो सलंकियान जो राजा थे, अब सलंकियान के देखिए पूरी तरह पे कब्जा कर लिया था महेंद्रा वर्मा टू विष्णु कुंडी के राजा ने। देखिए सबसे पहले हरिसेन ने जब सलंकियान के राजा को हराया और विष्णु कुंडी के राजा को उन्होंने उनका जो राज्य दे दिया, उसके बाद विष्णु कुंडियों ने क्या किया कि उन्होंने जो विष्णु कुंडी के राजा थे माधव वर्मन द्वितीय, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी जितने भी सलंकियान शासक थे उनको पूरी तरह से हरा के पूरी तरह से अपना कब्जा आंध्र रीजन पे कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है सलंकियान डायनेस्टी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे विष्णु कुंडी साम्राज्य के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।